रामपुर में सपा नेता आजम खान की बहन को महिला पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लेकर महिला थाने लाई, जिससे नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस का किया विरोध। इसके बाद रामपुर अधीक्षक अजयपाल शर्मा ने की पूछताछ। कई घंटों की पूछताछ के बाद आजम खान की बहन को छोड़ा गया। एक बार फिर से रामपुर पुलिस ने सपा के विरोध के चलते घुटने टेक दिए। वहीं इस मामले पर एसपी रामपुर अजयपाल शर्मा ने कहा कि किसानों की जमीन के मामले में जौहर यूनिवर्सिटी से पूछा गया था कि उनके पास कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिससे यह पता लग सके कि यह जमीनें खरीदी गई हैं, किनसे खरीदी गई हैं, क्या उन्हें पेमेंट किया गया है, जिसमें आजम खान की बहन ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया है। जबकि बताया जा रहा है कि आजम खान की बहन जौहर यूनिवर्सिटी ट्रेस में कोषाध्यक्ष के पद पर हैं और उनके साइन भी हैं, जिससे उन्होंने इनकार किया है। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है कि आज आजम खान साहब की बड़ी बहन को पुलिस अचानक उनके घर में आती है, नमाज पढ़ती हुई को उठाकर ले गई, नसीटते हुए लेकर गई है, उनकी इंतहा कर दी गई। हम सिर्फ इस बात के लिए हम परेशान हैं कि उनको लेकर गई है तो आखिर कहाँ गई है। तो हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और हम यही जानकारी चाहते हैं कि उनको आखिर कहाँ लेकर गए। एक इतनी नेक औरत जब उनके साथ में ये हो सकता है तो हम आम बेटियों के साथ में क्या होगा। जो नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या ऐसी बच्चे की बेटी अचानक से आप घर में घुस। उसमें यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया था कि उनके पास कौन से ऐसे दस्तावेज उपलब्ध हैं जिससे कि ये साबित हो सके कि वो ज़मीनें उनके द्वारा खरीदी गई हैं, किनसे खरीदी हैं, क्या उनको पेमेंट किया गया, कब किया गया और पेमेंट के दस्तावेज़ क्या हैं, तो यूनिवर्सिटी ने इसमें जो जवाब वाइस चांसलर का आया है उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि उनको 33 ईयर्स के लिए ये ज़मीन लीज पे दी है और ये ट्रस्ट के द्वारा दी गई है और इसकी जानकारी ट्रस्ट के द्वारा ही दी जा सकती है। उसके बाद ये ट्रस्ट की जब जानकारी की गई वहाँ सूचना किसी तरह नहीं दी गई, तो इसमें जो रजिस्ट्रार ऑफिस से ट्रस्ट के जितने ट्रस्टीज़ हैं मेंबर्स हैं उनकी डिटेल निकाली गई हैं, जिसमें जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे पूछा डिटेल्स के संबंध में, तो उनके द्वारा इसमें कुछ भी जानकारी नहीं दे पाए हैं वो, और उनके द्वारा नभिकता जाहिर करेगी कि उनको ये भी जानकारी नहीं है कि वो इस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के पद पे हैं, और साथ ही साथ जो उनके सिग्नेचर हैं उससे भी फिलहाल उन्होंने उनके सिग्नेचर होने से मना किया है। फिलहाल इस चीज़ की अभी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। अब कहाँ हैं वो? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।